नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी में बकायेदारों के वसूली में तहसील प्रशासन तेजी से काम कर रहा है, जिसके चलते केवल एक महीने में ही बकाया वसूली में तहसील प्रशासन 12 करोड़ 69 लाख में से 3 करोड़ 48 लाख वसूल कर चुका है, जो कि कुल रकम का केवल 27% है। तो वहीं हल्द्वानी शहर में कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जिन पर सरकारी विभागों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, जिन पर अब तहसील प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। और अब ऐसे में सभी बकायेदारों की लिस्ट चस्पा कर दी गई है और इन सभी लोगों के आरसी काट कर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जिस संबंध में तहसीलदार श्री कुमार का कहना है कि वसूली अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस रकम में इकलौते ओम प्रकाश ऐसे हैं जिन पर अकेले ही 5 करोड़ 90 लाख रुपए का बकाया है। ऐसे में जो लोग धनराशि जमा नहीं करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जो हमारी तहसील को अभी तक 12 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली के मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली अभी तक हम कर चुके हैं। इस समय हम लोग लगभग 30% का मानक पा चुके हैं, जबकि हमें 10% वसूली इस महीने तक जो हमारा लक्ष्य था वो करना था, तो वसूली ठीक चल रही है। इसके अतिरिक्त जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ़ हम लोग अब चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उनका इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद उनकी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।